Friends, we are starting today's press conference. As you all know, that today's press conference has been specially convened to inaugurate a vision document of BJP's vision document for the coming Tripura election. So I don't want to take much time. As you know, that in amongst us, Union Finance Minister Arun Jaitley ji has already arrived. He has taken his seat. Our spokesman Ashok Sinha ji is here, and also amongst us, Mr. Shahnawaz Hussain, who is a member of the Parliamentary Board of Bharatiya Janata Party, he is also with us. So I will now request Sri Arun Jaitley, Honorable Finance Minister, Government of India, to formally launch BJP's vision document for 2018 Assembly election. Now I request Arunji to give his opening remarks, and then you can have a question and answer session. दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सब से क्षमा चाहूंगा कि यहां पहुंचते हुए थोड़ा सा विलंब हुआ, और इसलिए ये विजन डॉक्यूमेंट को लॉन्च करने का कार्यक्रम कुछ देरी से शुरू हुआ, आपको प्रतीक्षा करनी पड़ी। इस बार का पूर्व उत्तर के तीनों राज्यों का चुनाव देश के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बहुत महत्व रखता है। महत्व इसलिए है कि देश में हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आई, और अपनी ताकत में हमारी लोकसभा में बहुमत है, ये एक पक्ष है। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्व का पक्ष यह है कि एक राष्ट्रीय दल होते के नाते, जिसका कुछ वर्ष पहले तक पूर्व उत्तर के राज्यों में बहुत सीमित समर्थन था, भारतीय जनता पार्टी ने एक संगठित तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से एक एक राज्य में काम किया, यहां के क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के साथ मिलकर काम किया, और एक एक राज्य के अंदर हमारी पार्टी का समर्थन खूब बढ़ता रहा। कई राज्यों में हमारी सरकारें बनी, त्रिपुरा में पिछले विधानसभा चुनाव के समय हम एक बहुत छोटा राजनीतिक दल थे, लेकिन यहां के जो व्यवस्थित राजनीतिक दल बड़े माने जाते थे, एक स्पष्ट रूप से उसके खिलाफ यहां के जनमानस में एक विद्रोह है। द पीपल ऑफ ओरिसा
have actually revolted against the traditional political parties which dominated Odisha's politics. पूर्ण राज्य का दर्जा जब से उड़ीसा को मिला, सॉरी त्रिपुरा को जब से मिला, मैं क्षमा चाहूंगा, तब से अधिक समय तक सीपीएम की सरकार रही और दो टर्म कांग्रेस की सरकार रही थी और स्वतंत्रता के 70 वर्ष बाद 45 वर्ष पूर्ण राज्य रहा और जब पूर्ण राज्य बनता है और लोगों के अपने हाथ में सत्ता सरकार आती है तो ये अपेक्षा रहती है कि हर बार कुछ ऐसे काम होते जाएंगे कि धीरे धीरे राज्य का और उसके जनता का जो पिछड़ापन है उससे मुक्त होने का एक समय आएगा और वो प्रगति उनके जनजीवन में व्यवस्थित रूप से सामने नजर आएगी। वो अपने आप में निराशा में बदली है और एक आक्रोश की लहर, एक एंटी इनकम्बेंसी के रूप में सीपीएम के खिलाफ बहुत तेजी से इस राज्य के अंदर फैली है। इतने वर्ष लगातार सरकार चलाने का अवसर मिले तो लोगों की तकदीर बदलने का एक अवसर मिलता है। कई बार लोग कहते हैं कि एक टर्म या दो टर्म कम है, ज्यादा मिल जाए। पांच पांच टर्म लगातार मिले ये तो एक युग होता है, इट्स लाइक ए जनरेशन इन पावर। और उसके बाद भी कोई बहुत बुनियादी अंतर राज्य के अंदर न आ पाए और केवल राज्य को पार्टी काडर के पेनेट्रेशन के माध्यम से एक भय, एक फियर साइकोसिस को बढ़ाने से शासन के ऊपर नियंत्रण रख लेना और फिर राजनीति को कंट्रोल करना, एक वक्त आता है जब वो डर के आधार के ऊपर राजनीति पर नियंत्रण होता है, वो घृणा में बदल जाता है। और ये परिवर्तन हम लोग पश्चिम बंगाल में देख ही रहे हैं। एक के बाद एक जितने उपचुनाव हुए हैं, इतने साल सरकार में रहने के बाद और एक टेरर रेजिम चलाने के बाद सीपीएम तीसरे या चौथे स्थान पर आने के लिए कहीं प्रयास करता है, कहीं दूसरे स्थान पर भी नहीं आ पाता। केवल कार्डर द्वारा डिजर्शन नहीं होता, जो वेस्टर्न इंटरेस्ट सपोर्ट करता है उसका डिजर्शन नहीं होता, जनमानस में उसके प्रति एक घृणा, एक नफरत पैदा हो जाती है और एक वोट बेस बहुत बड़े पैमाने में शिफ्ट करता है। लेकिन त्रिपुरा में ये बहुत जल्दी हुआ है और एक प्रकार से यहां एक लेफ्ट की स्पेस थी, एक नॉन लेफ्ट स्पेस थी। नॉन लेफ्ट स्पेस को जिस जिसने कब्जा किया हुआ था वो गायब हो गए, दे हैव इवैपोरेटेड फ्रॉम द पॉलिटिकल स्पेस। और वो सारी स्पेस भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रकार से ऑक्युपाई की है।
पॉलिटिक्स इज लाइक नेचर, इट अबोर्स अ वैक्यूम. दैट वैक्यूम विच वॉज क्रिएटेड बाय द डिसअपियरेंस ऑफ द नॉन लेफ्ट पार्टीज, वी हैव ऑक्यूपाइड दैट स्पेस एंड विद ऑलमोस्ट एवरी डे एवरी मिनट we are continuing to expand our base. और इसलिए पार्टी इस बार पूरी ताकत के साथ चुनाव में लगी है. हमारा सारा शीर्ष नेतृत्व, our entire top leadership इस चुनाव में इन्वॉल्व रहेंगे. अगले कुछ दिनों में आपको लगभग हर रोज कोई ना कोई सीनियर लीडर्स के यहां दौरे होंगे. हमारी पार्टी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की देश भर में जितने प्रयास रहे हैं उन सब के आधार पर जो डेवलपमेंटल एजेंडा है, डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स है, उसको सर्वप्रथम रखा है. और इस विजन डॉक्यूमेंट में त्रिपुरा के संबंध में वो डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स सामने आए. हमारी पार्टी को अवसर मिलता है तो वो प्रयास रहेगा. और क्योंकि त्रिपुरा को विकास की यात्रा बहुत लंबी तय करनी है, स्वाभाविक है कि राज्य को साधन भी चाहिए. और जिस प्रकार से साधनों की एक सीमा राज्य के अंदर भीतर है, ओम प्रकाश जी आप बाहर चले जाइए, जिस प्रकार से राज्य की साधनों की सीमा सीमित है, स्वाभाविक है कि जो संवैधानिक ढांचा इस देश का है उसके तहत हर 5 साल के लिए उन साधनों को फाइनेंस कमीशन देखता है. और किस राज्य को कितने साधन मिलने चाहिए राष्ट्रीय साधनों में से वो तय करता है. और त्रिपुरा जैसे राज्यों के लिए वो बहुत बड़ा साधन बनता है. केंद्र हर परिस्थिति में, और मैं हर परिस्थिति इसलिए कह रहा हूं कि केवल राजनीतिक रंग देखकर नहीं, यहां की जमीन की परिस्थिति के आधार पर प्रयास करेगा कि उस संवैधानिक बंटवारे में त्रिपुरा राज्य की अधिक से अधिक सहायता हो, ताकि यहां की विकास की यात्रा भी पूरी हो पाए. सरकारी नौकरियां यहां पर बहुत बड़ा एक नौकरियों का रोजगार का साधन है. केंद्र ने तो 7th पे कमीशन लागू कर दिया, और जिस स्पीड के साथ हमने लागू किया इस बार, तो पहले 6 पे कमीशन की तुलना में एक एक्सेप्शन अपवाद है. कर्मचारियों को संघर्ष करना पड़ता था, इस बार बिना किसी संघर्ष के हमने पूरी पे कमीशन लागू की. उसके बाद अलाउंसेस भी लागू कर दिए. कुछ अलाउंसेस कम किए थे, जो रिस्टोर हो सकते थे वो रिस्टोर भी किए. और अपेक्षा ये होती है कि उसके बाद राज्य भी धीरे धीरे उसी सिद्धांत को फॉलो करते हैं. अधिक राज्यों ने उसको फॉलो किया है.
त्रिपुरा अभी बहुत पीछे चल रहा है उसमें, और यहां के भी कर्मचारियों को वही न्याय मिले, ये हम लोगों का पूरा प्रयास रहेगा। इस बार केंद्र में हमने जितनी भी सोशल सेक्टर स्कीम्स हैं, उन सब में आवंटन बढ़ाया है। राइट टू फूड, खाद्यान्न जो मिलता है उसके लिए 1,70,000 करोड़ का प्रावधान किया है, इसलिए सस्ता अनाज मिल पाए, बहुत बड़ी जनसंख्या यहां की भी उसमें कवर होगी। मनरेगा को रेगा के रूप में यहां मैंने सुना चलाया जाता है, पैसा केंद्र से आता है। यूपीए सरकार 40,000 करोड़ रुपया रखती थी पर खर्च शायद 28,000 करती थी, पिछले वर्ष हमने 55,000 खर्च किया, 48 रखा था, खर्च ज्यादा हुआ। इस साल भी 55,000 रखा है और भी खर्च ज्यादा हो सकता है, और स्वाभाविक है कि त्रिपुरा जैसे राज्यों में ऐसी योजना की स्वीकृति बहुत अधिक है, और रेगा की या मनरेगा की जो देश भर का फॉर्मूलेशन बनेगा वेज रेट का वो मिले। जहां उद्योग कम होता है वहां जनसंख्या, शिक्षा के आधार पर हम लोग प्रयास करते हैं कि ह्यूमन कैपिटल डेवलप हो, और उस ह्यूमन कैपिटल को डेवलप करने के लिए हायर एजुकेशन अपने आप में अच्छे स्तर की हो, और अच्छी स्तर के डिग्री कॉलेजेस बने। तो भारतीय जनता पार्टी ने यह दृष्टिकोण पत्र में लिखा है कि मौजूदा 18 के स्थान पर 60 के 60 असेंबली क्षेत्रों के अंदर हम लोग डिग्री कॉलेजेस बने, इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। मैंने सरकारी कर्मचारी, जॉब्स, फूड, एजुकेशन, हेल्थ केयर, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार का स्वास्थ्य सेवाएं देश में बढ़े, ये बहुत बड़ा एक कमिटमेंट है। और आयुष्मान भारत के तहत एक तरफ तो वेलनेस सेंटर्स का प्रावधान है, और दूसरी तरफ इसी साल जो स्वास्थ्य योजना लागू होनी है जिसमें देश के 10 करोड़ परिवार पहले इस बार कवर होंगे, उसके लिए स्वाभाविक है कि मेडिकल इंस्टीट्यूशंस का होना जरूरी है। और राज्य में रिम्स और उसके अतिरिक्त तो और स्पेशलाइज्ड सुपर स्पेशलिटी वाले हॉस्पिटल्स बने, ताकि इन सारे आयुष्मान की भारत की सुविधाओं का पूरा लाभ लोग उठा पाए। हर घर में पीने का पानी पहुंच जाए, मैं इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूं कि अभी जो लेवल ऑफ एडमिशन है, जो उद्देश्य है हम लोगों का कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पानी, ये जो बुनियादी सेवाएं हैं ये सब पहुंचे। मैं बाकी सब विषय इसमें है, ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा, प्रश्नोत्तर के लिए कुछ समय छोड़ दूंगा। एक विषय और
और जहां जहां लेफ्ट की सरकार बनती है वहां देखा गया कि जहां जहां सरकारी नौकरियों में भर्ती होती है वहां स्टेट एपरेटस को पार्टी विचारधारा के आधार पर लोग कब्जा कर लेते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस उसमें फेयर नहीं होता। इसलिए ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये एक कमिटमेंट है, वचन है जो इसके माध्यम से हम लोग त्रिपुरा की जनता के सामने रखना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य विषय भी हैं, मैं कुछ समय आपके प्रश्नों के लिए छोड़ता हूं, कोई स्थानीय प्रश्न होंगे तो हमारे प्रवक्ता सिन्हा जी भी हमारे बीच में हैं, वो उसका उत्तर देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको प्रतीक्षा करनी पड़ी इसके लिए एक बार फिर से। Friends, now we can have for few, we can take few question, or you will try to answer those question. Sir, I have a question. Chief Minister of the state, Bharat Sarkar and Bharat Minister Bharat have been saying that this during the Niti Aayog era, the state is being deprived from getting money from the center. You see, this is a completely baseless charge. Failed government always looks for excuses. And this is a typical case of a failed government looking for excuses. As I have explained, the methodology of fund allocation to the state doesn't involve individual discretions. It involves the implementation of a constitutional award. So the state has to put forward its case before the Finance Commission. And every 5 years, the Finance Commission assesses what are the local revenues of the state itself, the region, and what is the extra amount that it will require by way of devolution. So every rupee that the Finance Commission has decided is paid not only to Tripura but to almost every state. Now what I am suggesting is that the center and the state have to work together to make sure that no regional disparities remain in India, that people in a given state are entitled to the same quality of life and facility that people in another state are entitled to. And therefore, to end those disparities, I am quite willing to work with the state, irrespective of who's in power, so that there is an adequacy of resource at least to look at the basic amenities of life. Sir, regarding Tripura tribal areas of Nova Scotia, it is the home of the tribals who constitute one third of the population, and it seems that they still remain backward. Anything in the future, our party, has repeatedly said, we will, to address the issue of social backwardness, we'll certainly have a commission to look into it, so that without in any way disturbing the social fabric of the state, we are able to address the issue of backwardness of a given section of the population. In many states it has been done. It is not necessary that addressing backwardness should involve creating any kind of social tension within the society. The society is entitled to its peace process, and yet you can address the issue of backwardness. Sir, it is continuing and it will continue. Because Congress has
90-10 continues for the entire northeast and the three hill states of Jammu Kashmir, Himachal and Uttarakhand. Sir, many organizations, tribal organizations are demanding direct funding to tribal areas of Jammu Kashmir to bounce. Can you assure the organizations that it can be? This matter is now examined at the level of parliament because 6th schedule bill is pending there. So you need to wait till passage of the bill. It is in the, now in the legislative process. No? Yes, sir, but what the party is thinking on this? This parliament will take a view on it. But we are always most sympathetic to the tribal area. But now if the bill is in the property of the parliament, so at this stage we don't want to comment. But you know the draft bill, so that so many provisions are there to empower the 6th schedule autonomous councils. So left is alleging that the budget which you presented, the left is alleging the budget which you presented does not have anything for middle class, poor and downtrodden. Anything for? For middle class, poor and downtrodden. You see the budget has two most powerful features which help the poor. It envisages the biggest ever healthcare scheme for the poor. And for the farmer, a large section of the population, it fulfills a long-standing dream of those classes. And all the five budgets I have presented always have a sub-chapter for the salaried in the middle class. Even in this budget, there is an 8,000 crore relief I have given to the salaried and 4,000 crore to the senior citizens. That's 12,000 crores. Sir, finally, I need some more clarification regarding the direct funding to the tribal body. Sir, as the finance minister of the country, do you support these demands that let the parliament take a view. After all, I can only spend with the authority of parliament, not otherwise. Is there any mention in the bill itself regarding the direct funding of the bill itself is under standing committee. Let us see what the shape it is. It is very not fair to comment. Sir, it is coming to the little bit, is right there, because it is Tripura specific. And then we have UDP and this IDFT, our alliance together. And so it is not clear to the electorate what exactly you are offering to the people so that you can apply it. This one that you have mentioned, it is an ongoing process for all the states for application of ADCs and all aspects. But this is Tripura specific and alliance specific. So it is not yet clear. Yes, let me answer this question. It is very clear, and we have repeated in our joint statement that Mr. N.C. Dev Varma met Honorable Prime Minister. He met Honorable Home Minister. And what is offered to them that a committee will be constituted to look into the backwardness in form of socio-economic, cultural and linguistic. And then committee will give a report in a stipulated time, and that report will be implemented. So that is a part of the vision document. Nothing more, nothing less has been committed to tribal community of the state of Tripura. Uska aage padhna ka bhi zarurat nahi, piche mein bhi. Only four lines, very specific. Government of India will constitute a committee to look into the backwardness of the tribal community in socio-economic, cultural and linguistic form. Whatever the report of the committee, that will be implemented. So no specific has been discussed. Only committee will give suggestion and that report will be implemented. Baba, your popular slogan is Chalo Partai, let's change. The left says there is absolute peace, there is communal harmony. So can you give the definition of your Chalo Partai? I think बड़ी सरल भाषा में ये कन्वे करता है
कि हमारा कैंपेन की राजनीतिक दिशा क्या है और लोग ऊब चुके हैं, तंग आ चुके हैं, थक चुके हैं और इसलिए लेफ्ट फ्रंट की सरकार को बदलो इस कैंपेन का बिल्कुल स्पष्ट उद्देश्य है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बने इस कैंपेन का पॉजिटिव ऑब्जेक्ट उद्देश्य जो है वो यही है। सर माननीय सरकार जी का कहना है कि केंद्र पैसा नहीं देती है ठीक तरीके से। मैं ऑलरेडी इसका उत्तर दे चुका हूँ, ये केंद्र का पैसा देना किसी डिस्क्रिप्शन पे निर्भर नहीं है जो फाइनेंस कमीशन कहेगा। किसी भी सरकार के पास चाहे केंद्र की हो राज्य की हो कोई लूज अनअटैच फंड नहीं होता कि उठाकर इधर दे दिया या इधर, एवरी रूपी इज डिसाइडेड बाय द फाइनेंस कमीशन। ऐसा है कि जो वो व्यवस्था जो बदली है और उस बदली हुई व्यवस्था में जितनी भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हैं, वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स नीति आयोग के निर्णय के अनुसार जो पहले उन्होंने पूछा, अधिकतर योजनाएं इस राज्यों के लिए 60-40 के रूप में शेयर होती हैं, नॉर्थ ईस्ट के लिए और हिल स्टेट्स के लिए 90-10 में शेयर होती है। देखिए बिल्कुल गलत है। इस देश की रेवेन्यू बॉयंसी में डीमोनेटाइजेशन के बाद अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज हुआ है और वो अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज है। मैंने अपने बजट भाषण में भी कहा कि नॉमिनल जीडीपी जिस दर पर बढ़ती है जो रेवेन्यू होता है उसके 1.1 पे बढ़ता था और दो वर्ष जो हुए 1.9 और 2.1 पे बढ़ रहा है। टैक्स बेस बढ़ा है, क्वांटम ऑफ टैक्स रिसीट्स बढ़े हैं और जीएसटी स्टेबलाइज होने के बाद और 2-3 महीने में जो स्टेबलाइज हुआ है उसकी तो अब कलेक्शंस भी अपने आप पे इंक्रीज हो रही है और स्वाभाविक है कि उसका लाभ, जैसे इस साल हमें इनकम टैक्स में उम्मीद थी कि 15% इंक्रीज होगा, वो इंक्रीज 19-20% के बीच में हो रहा है और स्वाभाविक है कि उसकी डेवोल्यूशन का लाभ त्रिपुरा को भी मिलेगा क्योंकि द साइज ऑफ द केक इटसेल्फ इज इंक्रीज। ऐसा है कि जितने भी ये मेजर्स हैं इससे एंटी इवेजन चेक होता है। सर वामपंथी दल ये सब बात कर रहे हैं सर, त्रिपुरा के लास्ट 3-4 क्वेश्चन इज देयर लेट यू कम। त्रिपुरा के वामपंथी दल ये दावा कर रहे हैं कि त्रिपुरा की जो डेमोक्रेसी है वो कॉर्पोरेट हाउस ने बीजेपी के द्वारा हाईजैक कर लिया है, तो इस विषय में आपको क्या कहना है? जो डर के माध्यम से हुकूमत चल रही थी, यहाँ पे सरकार चल रही थी, वो कितनी डेमोक्रेटिक थी पहले इस पे प्रश्न चिन्ह है। और ये जो लेफ्ट का जार्गन है ना, दिस इडियम ऑफ द लेफ्ट, दिस हैज केप्ट इन्वेस्टमेंट्स अवे फ्रॉम त्रिपुरा।
त्रिपुरा में जॉब्स तब आएंगी जब इन्वेस्टमेंट आएगा, और अगर त्रिपुरा प्राइवेट सेक्टर का डर बनाकर रखेगा, उसके प्रति हॉस्टाइल इन्वायरमेंट लेफ्ट फ्रंट रखेगा, तो जो पिछले 25 साल की स्थिति है वही चलेगी। आई थिंक त्रिपुरा डिजर्व्स बेटर। सर धारीवर का कहना है कि बीजेपी ने आईपीएफटी के साथ समझौता किया है जो अलग से ट्राइबल लैंड की मांग करती है, तो क्या सर बीजेपी सत्ता में आएगी तो उनकी मांग पर विचार करेगी? देखिए, ऑलरेडी आपको इसका प्रश्न दिया, उत्तर दिया जा चुका है। उनकी बैकवर्डनेस को एड्रेस करने के लिए हमने कहा है कि हम एग्जामिन करेंगे कमीशन के माध्यम से कि क्या कदम उठाए जा सकते हैं, कौन से अन्य कदम हो सकते हैं, उसके अतिरिक्त वो भी सोचे जा सकते हैं। एक बात वेरी क्लियरली बता दिया जाता है, बीजेपी एक त्रिपुरा में विश्वास करता है, और बीजेपी शासन में आएगा तो त्रिपुरा को कतई विभाजन होने नहीं देगा। त्रिपुरा विल रिमेन वन एंड एब्सोल्युटली वन, कोई नया स्टेट नहीं। त्रिपुरा से बॉर्डर क्षेत्र में बांग्लादेश की ओर से घिरा हुआ है, अभी इस बॉर्डर क्षेत्र में फाइनेंशियल डेवलपमेंट के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट का व्यू क्या रीजन क्या? देखिए, सामान्य तो किसी भी डेवलपमेंट पॉलिटिक्स में विकास हो हम सब क्षेत्रों का चाहेंगे, लेकिन निश्चित रूप से उस दौड़ में जो लोग पीछे रह गए और बॉर्डर एरियाज पे जो हैं उनका जीवन और भी कठिन होता है, और इसलिए यहां विकास के लिए अधिक प्रयास हो तो इसमें कोई दो मत किसी के मन में नहीं है। देखिए, वो बढ़ रहा है और बढ़ेगा, और हम मानते हैं कि पिछले 4 वर्षों में भारत और बांग्लादेश के संबंधों में बहुत अच्छा सुधार आया है, जो इस क्षेत्र के लिए और दोनों देशों के लिए भी बहुत सकारात्मक है। सर, आई हैव वन क्वेश्चन, वी आर क्लोजिंग दिस इज योर लास्ट, बिकॉज़ यू विल अगेन एट द मीटिंग ऑफ दिस इलेक्शन। आई नीड वन क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग योर हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। देयर इज अ क्रिटिकल कमेंट फ्रॉम दैट यू हैव एलोकेटेड सम मनी एंड यू आर सेड सेइंग दैट वी कैन गो टेक फॉर फॉर विल कमिंग इनटू दिस कवरेज। Yes, yes, I have said in my budget speech, and in the budget we have made, when the scheme starts, you make a nominal amount in the budget itself, and as the scheme picks up, more amount from the budget itself, then it's allocated. After all, the central government has a 25 lakh crore budget, and therefore to make some amount available for such a landmark scheme is not extremely difficult at all. This press conference, but our Indian Finance Minister will address intellectual at 3 p.m. And you have online Bengali version will be released also, you will get it online. Bengali version will be online.